शिज़ू का मतलब होता है एक छोटा शेर। अब इस ब्रीड को देखो, लग रही है कोई शेर वाली क्वालिटी इसके अंदर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि शिज़ू का प्राइस कितना है इंडिया में, और अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं तो आपको महीने में कितना खर्चा आ जाएगा। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसका टाइटल है विच डॉग ब्रीड इज राइट फॉर मी, तो अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी डॉग ब्रीड लेना आपके लिए सही है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शिज़ू के कुछ बेसिक्स के बारे में। शिज़ू एक स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट 20 से 28 सेंटीमीटर और वेट 4 से 8 केजी के बीच में होता है। शिज़ू आते हैं कंपेनियन डॉग्स के अंदर, जिसका मतलब है कि ये बने हैं आपके आसपास रहने के लिए। पुराने टाइम में काफी राजा महाराजाओं को पसंद था इस ब्रीड को अपने साथ में रखना। ये इसलिए क्योंकि शिज़ू की एक्सरसाइज नीड और एनर्जी लेवल काफी कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है या फिर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो शिज़ू लेना आपके लिए बिल्कुल सही है। छोटी छोटी वॉक्स दिन में 2 बार इनके लिए काफी है। उसके साथ साथ इन्हें फालतू की गंदी आदतें भी नहीं लगती, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनकी प्लेफुलनेस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से शिज़ू हमेशा तैयार है आपके साथ खेलने के लिए और हमेशा आपको ज्वाइन करेगा टीवी देखती बार। ये डॉग ब्रीड ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास एक लंबे नाक वाला मुंह नहीं है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को अच्छे से ठंडा नहीं कर पाते। तो कभी भी एक शिज़ू को कड़ी धूप में मत रखें, ये हमेशा किसी ठंडी जगह पे जा पाए और साफ पानी इनकी पहुंच में हो। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अपने डॉग की डॉल बनाना बहुत पसंद है तो शिज़ू ब्रीड आपके लिए ही है। लड़कों के लिए इस ब्रीड को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं जानता हूँ लड़कियां इन्हें ग्रूम काफी अच्छे से कर सकती है। शिज़ू फेमस है अपने फ्रेंडली नेचर के लिए। एक घर जहाँ पे छोटे बच्चे और शिज़ू है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी कभी भी बोर नहीं होगा। बच्चे को सिखाएं कि वो अपनी उंगलियां डॉग के मुंह, कान, आंख और ऐसी ऐसी जगह से दूर रखें। सिर्फ ये ही नहीं, अगर आपके पास पहले से कोई डॉग, कैट या कोई और जानवर है, उसके ऊपर से अगर आप एक शिज़ू लेके आ जाते हैं तो मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन आपका डॉग हमेशा खुश रहने वाला है। अब ये मत सोचना कि शिज़ू अनजान लोगों पे भौंकेंगे नहीं। ये भौंकते हैं, लेकिन जिस तरह से भौंकते हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये बताने के लिए कि कोई आ रहा है। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि जैसे ही वो आएगा आपका डॉग एक सेकंड में उनकी गोद में होगा। अब बारी आती है फर्स्ट टाइम ओनर्स की। आप लोगों को कुछ नहीं पता कि एक डॉग को रखना कैसे है, इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि शिज़ू बेस्ट है, लेकिन सही नॉलेज होना जरूरी है। गेटिंग अ न्यू पपी गाइड एक प्लेलिस्ट है 13 डिटेल वीडियोस की, जहाँ पे वो सब कुछ है जो आपके लिए जानना जरूरी है एक पपी लेने से पहले और उसे लेने के बाद। एक बार आपने ये सब कुछ समझ लिया, उसके बाद आप शिज़ू ले सकते हैं एज अ फर्स्ट टाइम ओनर। शिज़ू का प्राइस डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ से और किससे ले रहे हैं। अगर आप इंडिया में किसी लोकल पेट शॉप से ले रहे हैं तो शिज़ू का प्राइस स्टार्ट होगा 15,000 रुपीज से और वो जा सकता है 25,000 रुपीज तक। दूसरी तरफ अगर आप किसी ब्रीडर से ले रहे हैं तो शिज़ू का प्राइस स्टार्ट होगा 30,000 रुपीज से और वो जा सकता है 40,000 रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ब्रीडर कितना रेपुटेड है, किस तरह की क्वालिटी वो आपको दे रहा है और किस जगह पे वो ब्रीडर सिचुएटेड है। जब हम मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो मेन खर्चा खाने का होता है। शिज़ू बहुत कम खाना खाता है, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड 1500 रुपीज पर मंथ में आएगा और प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड 2500 रुपीज पर मंथ में आएगा। अपने पपी को खतरनाक वायरस से बचाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। पर वैक्सीनेशन की कॉस्ट 800 से 1500 होगी। ऐसे कई कीड़े हैं जिनका खाना आपका पपी ही है, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए डिवॉर्मिंग जरूरी है। ये मेडिसिन ज्यादा महंगी नहीं होती, तो आप 100 रुपीज पर शेड्यूल खर्च सकते हैं। अगर आप एक लड़की हैं तो जितना टाइम आपको अपने वालों में लगता है उससे कहीं ज्यादा लगने वाला है एक शिज़ू को ग्रूम करने में। पर मंथ 500 से 1000 रुपीज का खर्चा आएगा, जो इंक्लूड करता है शैम्पूज एंड कंडीशनर्स। ऑन एवरेज अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात करें एक शिज़ू को इंडिया में रखने का, तो वो होगा 2500 अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हैं, और अगर प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो वो होगा 3500। अब अगर आपको और अलग अलग ब्रीड के प्राइस के बारे में जानना है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, और अगर जानना चाहते हो कि कौन सी डॉग ब्रीड लेना आपके लिए सही है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।